आज हमारे साथ इस मुल्क के ताकतवर तरीन तबके के एक नुमाइंदे तशरीफ रखते हैं, यानी एक आला ब्यूरोक्रेट। अस्सलाम वालेकुम आयुष साहब। थैंक यू जुनैद, आई अप्रिशिएट यू, तुमने मुझे बुलाया है। कुफाइल फंसी है तो बताओ। नहीं नहीं आयुष साहब, हमने तो कुछ सवालात के लिए आपको जहमत दी है। हमसे सवाल हो इंटरेस्टिंग आयुष साहब, यही तो प्रॉब्लम है, आपसे कभी किसी ने सवाल पूछा ही नहीं आज तक। लो ये दालतां जी कौन खज्जल होंडे। अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना फिर। यस यस, नथिंग सीरियस इन इट। वो तो जब प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो अकाउंटेबिलिटी तो अच्छा आज भी साहब, आप लोगों के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि आपको बेपनाह मराहत मिलती हैं, आपकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो बेशुमार हैं। सड़ गए। मैं क्यों जलूंगा आपसे, कौम ये आपसे पूछती है। तो फिर कौम पूछे ना, आप क्यों पूछ रहे हैं। कौम को भेजे मेरे ऑफिस सुबह 9:30 पे। अजमी साहब, 16-16 कनाल के बंगले आप लोगों के, इसमें आप पब्लिक की इज्जत है। मैं को दौड़ के तो नहीं सौंदा। आई स्लीप ऑन 6x3 बेड। 15-20 लोगों का स्टाफ आपको घरों पे मिला हुआ है, नौकर, माली, खान साहब में खिदमतगार। तो CSS में 35 साल लाने से कीता है। एक तरफ आप जॉब्स का रोना रोते हैं, जब जॉब्स देते हैं तो फिर शिकायतें करते हैं आप लोग। अच्छा लेकिन पब्लिक का भी तो कुछ ख्याल करें ना। तो ये जो मुलाजम रखे हुए हैं ये आपकी पब्लिक में से ही हैं, कोई अफ्रीका तो नहीं ले आंदे। अच्छा आयुष साहब प्लीज, सीधा सा सवाल सीधा सा जवाब, कि आपके खिलाफ हर साल करप्शन के इल्जाम में एक मुकदमा कायम होता है, आप इतनी बाकायदगी के साथ बरी कैसे हो जाते हैं। जरेद, जपटना पलटना पलट कर जपटना, जेब गर्म रखने का है एक बहाना। आयुष साहब, आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप हर आने वाली हुकूमत की खुशामद करते हैं, इसकी क्या वजह। वी गिव देम व्हाट दे वांट। मेरा ख्याल है तुमने कभी शॉपिंग नहीं की। भाई घी लेने जाओगे तो वो घी देगा ना, चूहे फड़ने वाली खिड़की तो नहीं दे देगा। लेकिन आयुष साहब ये भी तो आपका फन है ना, कि आप इतनी चालाकी से उन हुक्मरानों की तवज्जो असल इशू से हटा देते हैं। ये हमारी चालाकी नहीं, उनकी नालायकी है। बिलीव यू मी, उस पिंड से आके वजीर लगते हैं जिथे जांदियां जांदियां गड्डी चार आरी पेंचर होती है। लेकिन आजमी साहब होते तो वो अवामी नुमाइंदे है ना। वो यार आल्सो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, साड़ियों को पूछ लानी निकली है। अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है आप, इतनी मराहत। तो भाई CSS किया हुआ है। डू यू नो मीनिंग ऑफ CSS? आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट नो। CSS चढ़ सूली सोनिया। सूली चढ़ने वाली बात है, सूली चढ़ने वाली, अखा विच वड़ जांदी है ने, दंद बाहर आ जांदे ने, पेंट खुली हो जांदी है, मोढ़े उत्ते चढ़ जांदे ने। आप अपनी मेहनत का बदला फिर आवाम से लेते हैं। बस जो थे चढ़ जाए। वैसे आपने जमहूरियत और जमहूरी निजाम को दिल से कबूल नहीं किया। कबूल क्यों नहीं किया, 3 दफा कबूल कबूल कहेंगे तो आप मानेंगे कि कबूल किया है। मिडल पास वजीर लगे होते हैं, हम लोग पढ़े लिखे उनको सर सर कह रहे होते हैं, या हमारे दिल से पूछोगे किस तरह कह रहे होते हैं। लेकिन मौजूदा वजारा तो ग्रेजुएट्स हैं। वो हमें पता है कैसे ग्रेजुएट्स हैं, ऐसा ही संदा मड़ा के देती हैं। अच्छा आयुष साहब, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक आपने अब तक कोर्सेज के नाम पर 16 गैर मुल्की दौरे किए। भाई हमें भेजते हैं तो जाते हैं, जरूरत होती है तो जाते हैं, वरना हमारा तो यहाँ ही दुबई लगा हुआ है। हमें को फॉरेन कंट्रीज देखने का कोई शौक नहीं है, ये सियासतदानों को शौक है अंग्रेज देखने का। उनके पास खड़े होकर कह रहे होते हैं यार किड्डा तेज अंग्रेजी बोलता है। जो खुद अंग्रेजी बोल लेता है उसे अंग्रेज देखने का कोई शौक नहीं होता। लेकिन आशमी साहब, आपके और अवाम के दरमियान इतना फासला क्यों रहता है हमेशा। इसलिए कि अवाम ने CSS नहीं किया हुआ। अच्छा आप अवाम को इसी बात की सजा देते हैं, यही वजह कि आप 6-6 घंटे बेचारों को अपने दफ्तरों के बाहर खड़ा रखते हैं और ये कह के खड़ा रखते हैं कि अंदर मीटिंग्स चल रही हैं। तो चल रही होती है मीटिंग्स तो भी कहते हैं ना, वो अंदर पकौड़े तो नहीं कटन रहे होते। आपको कभी अवाम की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। होता है एहसास, क्यों नहीं होता, क्या करें, अंदर दफ्तरों में तेल की शीशियां रख लें, उनकी पिंडलियों की चंपी करें।
साहब, आप अभी तक अपने अंदर वो स्पिरिट पैदा नहीं कर सके, ये एहसास नहीं उजागर कर सके कि आप लोग अवाम में से और अवाम आप में से हैं। की करिए, अवाम नु कुछड़ चुक ली उनके मसाइल हल करें आज साहब। वो मसाइल ही पैदा करते हैं, मसाइल ही हल करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा आजमी साहब, एक सीधा सा जवाब ये इनायत कर दें कि आप लोगों को जमहूरियत ज्यादा रास आती है या मार्शल ला? मिस्टर जुनेद, हम तो मोम के बने होते हैं, जिस सांचे में हमें डाला जाए उसी में ढल जाते हैं। ऐसे गलों से अपनी शक्ल ही भूल गए। कई दफा शीशे के सामने खड़े होकर मैं सोच रहा होता हूँ कि यार इस बंदे ने किधरे वेखे। अपने आप से मिले हुए अरसा ही हो गया। अच्छा सब ये फरमाए कि ये क्या हमारे यहाँ रिवाज है कि आपके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट थे, उनके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट थे, आगे से आपका जो बड़ा बेटा है वो भी ब्यूरोक्रेट है और उसकी औलाद भी ब्यूरोक्रेट होगी। जाहिर है, शेर ने शेर ही पैदा करना है, बंदर तो नहीं पैदा करना। हमारी फैमिलीज में एक एटमॉस्फेयर बना होता है, रुझान होता है, वो सीएसएस का, तो वो करके आ जाते हैं। जाहिर है। नहीं आजमी साहब, असल बात ये है कि आप लोग इस निजाम पे काबिज हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर जुनैद, ये आपको किसी ने गलत बताया है। 20-25 प्लाट पे तो मैं काबिज हूँ, निजाम पे मैंने किस लिए काबिज हूँ। आपको कभी आवाम की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ? होता है एहसास, क्यों नहीं होता, क्या करें, अंदर दफ्तरों में तेल की शीशियां रख लें, उनकी पिंडलियों की चंपी करें। आप अभी तक अपने अंदर वो स्पिरिट पैदा नहीं कर सके, ये एहसास नहीं उजागर कर सके कि आप लोग अवाम में से और अवाम आप में से हैं। की करिए, अवाम ने कुछ चुक ली उनके मसाइल हल करें आज साहब। वो मसाइल ही पैदा करते हैं, मसाइल ही हल करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा आजमी साहब, एक सीधा सा जवाब ये इनायत कर दें कि आप लोगों को जमहूरियत ज्यादा रास आती है या मार्शल ला? मिस्टर जुनैद, हम तो मोम के बने होते हैं, जिस सांचे में हमें डाला जाए उसी में ढल जाते हैं। ऐसे गलों से अपनी शक्ल ही भूल गए। कई दफा शीशे के सामने खड़े होकर मैं सोच रहा होता हूँ कि यार इस बंदे ने किधरे वेखे। अपने आप से मिले हुए अरसा ही हो गया। अच्छा सब ये फरमाए कि ये क्या हमारे यहाँ रिवाज है कि आपके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट थे, उनके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट थे, आगे से आपका जो बड़ा बेटा है वो भी ब्यूरोक्रेट है और उसकी औलाद भी ब्यूरोक्रेट होगी। जाहिर है, शेर ने शेर ही पैदा करना है, बंदर तो नहीं पैदा करना। हमारी फैमिलीज में एक एटमॉस्फेयर बना होता है, रुझान होता है, वो सीएसएस का, तो वो करके आ जाते हैं। जाहिर है। नहीं आजमी साहब, असल बात ये है कि आप लोग इस निजाम पे काबिज हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर जुनैद, ये आपको किसी ने गलत बताया है। 20-25 प्लाट पे तो मैं काबिज हूँ, निजाम पे मैंने किस लिए काबिज हूँ।